हर हर महादेव गाइस, जय माँ पार्वती, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित मखीचा। तो होपफुली आप एकदम बढ़िया हो गए चिट चैट महादेव की कृपा से, और उनकी कृपा रहनी भी चाहिए। बस आपको हर हर महादेव बोलना है कमेंट बॉक्स में भी, और जहाँ भी आप जाते हैं सब चीज़ें अपने आप सुलझ जाएंगी। तो ये वीडियो था सिंपल छोटा सा, मैंने सोचा शॉर्ट में ही समझा दूँ, लेकिन यार उसमें होगा नहीं यार, बहुत छोटा टाइम फ्रेम देते हैं, मुझे मज़ा नहीं आता। भले अब एक दो मिनट का वीडियो बने, वो वीडियो वीडियो रहता है, शॉर्ट भी रहता है अच्छा, वो मैं नहीं कह रहा शॉर्ट बेकार है। तो मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाया था कि जो पेंडेंट्स के बारे में, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये वीडियो बनाया था मैंने, और मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ये वीडियो था उसका रिव्यू करा था, मतलब एक तरह से कि आप कौन सा पहने, कौन सा आपके लिए बढ़िया है। इसी तरह मैं रुद्राक्ष के वीडियोज़ भी डालता रहता हूँ, दीक्षा के भी डाले, बहुत सारे वीडियोज़ डाले, ठीक है। तो अब जो लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, और कमेंट बॉक्स में मुझसे ये बहुत बार पूछा गया है कि जो पेंडेंट है वो हम पहनते हैं, उसके साथ हम रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, तो आज मैं वो क्लियर करना चाहूँगा आपको, ठीक है। तो मैंने ये ईशा से भी पूछा था, बहुत पहले पूछा था, तो उन्होंने कहा था यस आप कुछ भी पहन सकते हो, यानी कि आप कोई भी पेंडेंट पहनते हो, जो भी आपने मंगवाया, जो भी आप भले ईशा से मंगवाए नहीं मंगवाओ, कहीं से भी मंगवाओ, कोई भी पेंडेंट आप पहनते हो तो उसके साथ आप कोई भी रुद्राक्ष पहन सकते हो, चाहे वो सिंगल बीड हो, चाहे 1 to 14 में से कोई भी रुद्राक्ष हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, डजंट मैटर, कोई भी माला हो, चाहे रुद्राक्ष की ना कोई भी चंदन तुलसी और कोई भी जो माला होती है वो, कोई भी माला हो वो भी आप पहन सकते हैं उस लॉकेट के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर वो कॉपर है तो हम रुद्राक्ष पहने कुछ हो जाएगा, नहीं। ईशा के अकॉर्डिंग जो है ये सब बता रहा हूँ मैं, ईशा ने बोला आप पहन सकते हो, मैंने उनसे मेल के थ्रू पूछा था, तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, और इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि हम साथ में पहन सकते हैं, हम ये रुद्राक्ष के साथ हम रुद्राक्ष पहनते हैं, 1 मुखी पहनते हैं, 2 मुखी पहनते हैं, इसके साथ हम 5 मुखी दीक्षा वाला भी पहन सकते हैं। यार वो अलग नहीं है, वो भी पहन सकते हो आप, चाहे आप 5 मुखी दीक्षा वाला पहनो, चाहे माला पहनते हो आप, माला पहन, सपोज़ मैं आज माला पहनता हूँ, ठीक है, ये रियल है, मैं माला पहनता हूँ, जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं जानते हैं, तो उसके साथ मैं क्या दीक्षा वाला रुद्राक्ष नहीं पहन सकता? नहीं मैं पहन सकता हूँ। मैं कोई भी पेंडेंट नहीं पहन सकता? नहीं मैं पहन सकता हूँ, अनलेस आपके गुरु ने या आपको कुंडली के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया कि इसके साथ गले में कुछ और धारण नहीं करना, तो फिर आप उसको इग्नोर करें, अवॉइड करें जब तक वो आपको बोला गया। वैसे ऐसा कोई कुछ नहीं बोलता, रुद्राक्ष बहुत महान है, वो तो आपकी हेल्प के लिए, वो आपके साथ कभी साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ भी नहीं करता आपके साथ कि उसके साथ उसको, उसके साथ किसी को प्रॉब्लम हो जाए या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, आप उसको पहन सकते हैं। बस हाँ, कंडीशनिंग के टाइम ईशा मना करता है कि वो कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाएगा मिल्क, तो रुद्राक्ष पे अफेक्ट हो सकता है, इसीलिए मना करते हैं। बाकी गले में आप कोई भी रुद्राक्ष पहन सकते हो और किसी के साथ भी पहन सकते हो। तो होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा ये क्वेश्चन का कि पेंडेंट हम पहनते हैं तो रुद्राक्ष पहन सकते हैं, हाँ आप पहन सकते हैं। हम माला पहनते हैं तो क्या दीक्षा का रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं? हाँ आप पहन सकते हो। हम 2 मुखी पहनते हैं, 3 मुखी पहनते हैं तो उसके साथ क्या 5 मुखी पहन सकते हैं? हाँ आप पहन सकते हो। तो सबका आंसर है हाँ हाँ हाँ। बस आपकी गर्लफ्रेंड का क्या आंसर है आपके लिए वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इन सब क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, वो है हाँ। तो होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। अब आप जो कमेंट में पूछेगा मैं बोलना चाहूँगा कि वो वीडियो देख लो, ये आपको समझ में आ जाएगा। वैसे कैसे देखेंगे ये तो वीडियो, छोड़ो। तो बस यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, जय सिया राम, राधे राधे। कमेंट बॉक्स में आप भी हर हर महादेव लिख दें, और इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जो बोला वो तो बोल ही दें। बाय बाय, और हाँ टेक केयर।